कि बीजेपी से इनकी साठ गांठ रही। यह ना बीजेपी के खिलाफ कोई आंदोलन करते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, जेल में बैठकर राजनीति करते हैं, और जब हरियाणा में चुनाव हराना होता है तो बाहर आ जाते हैं। ये इन दोनों की मिली भगत है, केजरीवाल और बीजेपी की। नाम है न्याय यात्रा, अन्याय क्या हुआ है? अन्याय ही अन्याय है। महंगाई क्या है? अन्याय है। बेरोजगारी क्या है? अन्याय है। जनता की बात नहीं सुनना अन्याय है। राशन कार्ड नहीं बन रहे इतने साल से दिल्ली के अंदर, ये अन्याय है। ये अन्याय ही अन्याय है। क्या जरूरत पड़ गई यात्रा की? यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि दिल्ली जो है जाम हो चुकी है, दिल्ली बर्बाद हो चुकी है जिस तरीके से, इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है। और जब इस यात्रा को से हम निकालेंगे, क्योंकि ये एक जो है हिंदुस्तान है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ प्रवासी भारतीय रहते हैं, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई हर स्टेट का आदमी यहाँ पर है। और उसका जो यहाँ पर आके दर्द झलकता है, जब वो आके देखता है कि यहाँ पर जो है दिल्ली को केजरीवाल ने शराब बांट के बर्बाद कर दिया, एक के साथ एक फ्री दे के, और भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी के सारे सांसद चुनाव जीत जाते हैं, हर बार सातों सीटों पर जीतते हैं लेकिन बाद में नज़र नहीं आते हैं, तो दिल्ली की जनता जाए कहाँ, किसके पास जाए? सुबह काम पे निकलती है, शाम को ड्यूटी से आती है, उनके पास धरना प्रदर्शन करने का समय नहीं है। जनता के पास उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए देवेंद्र यादव जी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है। नाम है न्याय यात्रा, अन्याय क्या हुआ है? अन्याय ही अन्याय है। महंगाई क्या है? अन्याय है। बेरोजगारी क्या है? अन्याय है। जनता की बात नहीं सुनना अन्याय है। राशन कार्ड नहीं बन रहे इतने साल से दिल्ली के अंदर, ये अन्याय है। ये अन्याय ही अन्याय है। इस हम न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को निकाल रही है। लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस जो है तो साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ, अब उनके खिलाफ जो है तो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है, किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है कि अगर आप काम करने लायक हैं तो हम हमारे साथ आएँ, और यदि आप काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, यदि आप इस लोकतंत्र के खिलाफ हैं और जनता के खिलाफ हैं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। वही काम हुआ है केजरीवाल सरकार के साथ। हमने समझौता किया था इस मूल्य पर कि हम दिल्ली की जनता के साथ काम करेंगे दिल्ली का, लेकिन ये सरकार फेल रही। बीजेपी से इनकी साठ गांठ रही। यह ना बीजेपी के खिलाफ कोई आंदोलन करते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, जेल में बैठकर राजनीति करते हैं, और जब हरियाणा में चुनाव हराना होता है तो बाहर आ जाते हैं। ये इन दोनों की मिली भगत है, केजरीवाल और बीजेपी की। वो तो कहते हैं कि हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है भाजपा, हमको अंदर करा हुआ है। पार्टी तो वो ख़त्म नहीं है, वो बीजेपी का ही एक अंग है। छोटे छोटे दल बनाकर कांग्रेस को ख़त्म करने की साजिश रच रही है भाजपा। कहाँ हरियाणा के अंदर पूरी की पूरी हमारी सरकार बनने जा रही थी, लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार मजबूत होती है वहीं जाकर केजरीवाल अपना चुनाव लड़ता है और कांग्रेस का वोट काटते हैं। बिजली पानी फ्री कह रहे हैं, बस फ्री है, और क्या चाहिए दिल्ली की जनता को? यही तो दुर्भाग्य है कि ये एक तरीके से जनता के साथ धोखा किया गया है, जिस तरह से ये फ्री 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 का लालच देकर और जनता को अलग दूसरे तरीके से महंगाई के तरीके से दुनिया भर के टैक्स लगा के। आज जो है 8 नवंबर है, नोटबंदी, मोदी जी ने नोटबंदी, ये काला दिवस मनाते हैं हम लोग, और आज ही के दिन इस देश की जनता को नोटबंदी की वजह से लूटा गया मोदी सरकार ने। दिल्ली के अंदर में 10 सालों में काम कुछ हुए नहीं थे? कोई काम नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, दिल्ली के लोगों के पास इतना समय नहीं है। यहाँ से बाहर का आदमी आता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आता है, वो अपना जो है जैसे अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं दिल्ली के अंदर, सलब बस्ती हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, उनके अंदर अपना गुजर बसर करते हैं, उनके पास समय नहीं है। जिस दिन ये जनता सरकार के खिलाफ उठेगी, इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस इनकी अगुवाई करेगी। शीला दीक्षित जी 10 साल रही हैं, उसके बाद केजरीवाल जी आए हैं, तो इन्होंने लगातार ये एक आरोप लगाया कि एलजी काम करने नहीं दे रहा है। एलजी काम नहीं करने दे रहा है, इन्होंने कहने का मतलब है, देखिए आम आदमी पार्टी के जितने भी उनको बनाने वाले लोग थे, चाहे वो कोई भी हो, ये सारे के सारे बीजेपी में चले गए। अभी आप देखोगे जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और फिर ये बीजेपी को मजबूत करके कांग्रेस को ही हराने की कोशिश करेंगे। सर, दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना था, सपना पूरा हुआ कि नहीं? दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना पूरा होता यदि शीला दीक्षित की सरकार और चलती, या दिल्ली का सपना पेरिस बनाने का सपना पूरा होगा अभी भी कांग्रेस की सरकार आ जाए, लेकिन इन्होंने उस सपने को तोड़ दिया है, चकराचूर कर दिया है, कोई काम नहीं किया। पानी को लेकर बड़ा हंगामा होता है, क्या कहना चाहेंगे?
पानी को लेकर हंगामा इसलिए होता है क्योंकि गंदा पानी, दिल्ली की जनता को जो गंदा पानी मिल रहा है, पूरी की पूरी सरकार, पूरे सारे लोग बीमार हो चुके हैं दिल्ली के, प्रदूषण से बीमार, गंदे पानी से बीमार, हर तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये दिल्ली की जनता कांग्रेस की बात को समझ पाएगी? जरूर समझ पाएगी। आप देख रहे हैं ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है और इस न्याय यात्रा तक के लिए पहुंचकर हम जन जन तक जाएंगे और हमारी बात को जनता समझेगी और इस केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद आपका सर। आप देख सकते हैं कि न्याय यात्रा निकल चुकी है। ये वही बस है जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त चलाई गई थी। अब जो है सो दिल्ली न्याय यात्रा अब शुरू हो चुकी है। इससे पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो है सो आज से लगातार 30 दिनों तक ये यात्रा निकालेगी। 360 किलोमीटर पर यात्रा होगी और 70 विधानसभा को कवर करेगी। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस हमलावर रहेगी केजरीवाल के ऊपर। आखिर केजरीवाल ने काम क्या किया है, क्योंकि केजरीवाल उनके सहयोगी थे। अभी आपने जैसे सुना कि केजरीवाल तो बी टीम है भाजपा की,